हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस मेडिसिन डिटेल्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलो आइए, चलो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीकासुल कैप्सूल यूज कैसे किया जाता है और इसको कैसे लें और ये क्या काम करता है। ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे इस मेडिसिन डिटेल्स चैनल पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को देख करके इसका फायदा उठाइए। पीकासुल कैप्सूल यूज कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊं कि आप पीकासुल कैप्सूल को भोजन के बाद खाएं और इसे हमेशा इलंग करके खाएं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, पीकासुल कैप्सूल आपके शरीर में काम कैसे करता है वो मैं आपको बता दूँ कि ये आपके शरीर में पहुँच करके कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और टिश्यू की मरम्मत करके आपको ठीक कर देता है। और पीकासुल कैप्सूल उपयोग किस में आता है तो मैं आपको बता दूं, ये आपको विटामिन की कमी पूरे करने के लिए, अगर आपके बाल झड़ रहे हों तब इसको यूज कर सकते हैं, और आपके मुंह में या पेट में छाले हो रहे हों तो पीकासुल कैप्सूल का यूज करिए, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और भी कई चीज़ें हैं इससे ठीक हो जाती हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही हो या फिर कमजोरी आ गई हो, मुंह और पेट में छाले हो गए हों और आपके बाल झड़ रहे हों या सफ़ेद हो रहे हों तो पीकासुल कैप्सूल का प्रयोग करिए, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर आपको पीकासुल कैप्सूल से एलर्जी हो तो आप इसको कभी भी ना लें, तब आप एक अपने आसपास के अच्छे डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि इसको यूज करना है या नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा मरीजों के दिमाग में यही सवाल उठता है कि पीकासुल कैप्सूल क्या हम विटामिन की कमी पूरे करने के लिए कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हो। करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ले लें, क्योंकि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की मात्रा होती है। दिमाग में ये भी सवाल उठता है कि पीकासुल कैप्सूल को फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो जी हाँ, फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। एक तीसरा सवाल और उठता है कि क्या हम पीकासुल कैप्सूल को खाली पेट खा सकते हैं, तो जी नहीं, आप कोई भी दवाई खाली पेट नहीं खा सकते हैं, क्योंकि खाली पेट खाने से आपको साइड इफेक्ट या एलर्जी हो सकती है। हमेशा आप खाना खाने के बाद पीकासुल कैप्सूल को खाइए। सवाल लोगों के दिमाग में ये होता है कि क्या हम अपने मुंह के छाले और पेट के छाले इससे ठीक कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हो, क्योंकि ये पीकासुल कैप्सूल उसी के लिए बनाया गया है। पीकासुल कैप्सूल के बारे में और कुछ भी जानना हो तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर फॉलो कर सकते हैं। आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि ये कैसे यूज किया जाता है। आप लोग मेरे इस मेडिसिन डिटेल्स चैनल पर सपोर्ट बनाए रहिए और मेरी अगली वीडियो देखते रहिए और उसका फ़ायदा उठाइए। उस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन मेडिसिन डिटेल्स चैनल। सी यू नेक्स्ट फ्रेंड्स। टाटा।